ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्री कृष्णा भगवान गीता उपदेश अध्याय 12 के सोलों का वर्णन इस प्रकार है। अध्याय 12 गीता श्लोक 1। अर्जुन उवाच एवं सतत्युक्ता ये भक्तस्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तन तेषा के योगवित्तमः। श्लोक का अर्थ, अर्जुन ने कहा जो भक्त सतत युक्त होकर इस प्रकार से आपकी उपासना करते हैं और जो भक्त अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन उत्तम योगवित है। अध्याय 12 गीता श्लोक 2। श्री भगवानुवाच मयावेश्य मनो ये मा नित्य युक्त उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तात्मा मता है। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान ने कहा मन को एकाग्र करके नित्य युक्त हुए जो भक्तजन परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत से युक्ततम हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। अध्याय 12 गीता श्लोक 3-4। ये त्वक्षरण निर्देशित्म व्यक्तन प्युपास्ते सर्वत्र ग्मचिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवम सन्नियमेंद्रिय ग्रामन सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रता है। श्लोक का अर्थ, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य सब जगह परिपूर्ण अनिर्देश कूटस्थ अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 12 गीता श्लोक 5। क्लेशोधिक्त त्रस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुहखण देहवद्भिर्वाप्यते। श्लोक का अर्थ, परंतु उन अव्यक्त में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों को क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों से अव्यक्त की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त की जाती है। अध्याय 12 गीता श्लोक 6। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्परा है अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपास्ते। श्लोक का अर्थ, परंतु जो भक्तजन मुझे ही परम लक्ष्य समझते हुए सब कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य योग के द्वारा मेर ही ध्यान करते हैं। अध्याय 12 गीता श्लोक 7। तेषां हन समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मयावेशि चेतसां। श्लोक का अर्थ, हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में ही स्थिर हुआ है, ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। अध्याय 12 गीता श्लोक 8। मयेव मन आधत्स्व मयी बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक का अर्थ, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अध्याय 12 गीता श्लोक 9। अथ चित्त समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छप्तु धनंजय। श्लोक का अर्थ, हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, तो
तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा अर्थात प्रयत्न करो। अध्याय 12 गीता श्लोक 10 अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत्कर्म प्रमो भव मद्रथम्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ, यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मत्कर्म परायण बनो, इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अध्याय 12 गीता श्लोक 11 अथैतादप्यशक्तोसि कर्तुं मद्यमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्लोक का अर्थ, और यदि इसको भी करने के लिए तुम असमर्थ हो तो आत्म संयम से युक्त होकर मेरी प्राप्ति रूप योग का आश्रय लेकर तुम समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। अध्याय 12 गीता श्लोक 12 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास यध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यगाच्छन्तिर्नन्तरम्। श्लोक का अर्थ, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल त्याग है। त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। अध्याय 12 गीता श्लोक 13 अर्जुन उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कुरुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। श्लोक का अर्थ, भूत मात्र के प्रति जो मित्र और करुणावान है, जो मैत्री और आत्मा से अनुपयुक्त है, सुख और दुःख में सम और क्षमावान है। अध्याय 12 गीता श्लोक 14 संतुष्टः सत्तं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पितमनो बुद्धियो मद्भक्तः समे प्रियः। श्लोक का अर्थ, जो संयतात्मा दृढ़ निश्चयी योगी सदा संतुष्ट है, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, जो ऐसा मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। अध्याय 12 गीता श्लोक 15 श्री भगवानुवाच यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः हर्षमर्षभ्योद्वेगैर मुक्तो यह स चमे प्रियः। श्लोक का अर्थ, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अध्याय 12 गीता श्लोक 16 अनपेक्षाः शुचिर दक्षिणाथो गतव्यतः सर्वारम्भ प्रत्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। श्लोक का अर्थ, जो अपेक्षा रहित शुद्ध दक्ष उदासीन व्यथा रहित और सर्व कर्मों का संन्यास करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। अध्याय 12 गीता श्लोक 17 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। श्लोक का अर्थ, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अध्याय 12 गीता श्लोक 18 समः शत्रुः च मित्रे च तथा मानापमान्यो है शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। श्लोक का अर्थ, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी
गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। अध्याय 12 गीता श्लोक 19 तुल्यनिंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्ति मन में प्रियो नरः। श्लोक का अर्थ, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मनशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। अध्याय 12 गीता श्लोक 20 ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पुरुपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। श्लोक का अर्थ, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।